नमस्कार, मैं तनीष अरोड़ा आपका आर्ट्स एंड वर्ड्स में स्वागत करती हूँ। और आज है मेरे साथ आशीष मित्तल जी, डायरेक्टर ऑफ आर्ट्स एंड वर्ड्स। और आज हम बात करेंगे इस क्लासिकल सेट के बारे में। सो आशीष जी, प्लीज हमें सेट के बारे में कुछ बताइए। मैडम, ये सेट है फीलिंग वाला सेट। देखिए, हमारे फोर फादर्स के यहाँ जब भी नानी के घर जाया करते थे या फिर हमारे पुराने घर होते थे तो वहाँ इस तरह के सेट दिखते थे। आज भी अगर किसी घर में पुराने सेट्स होंगे, पुराने सोफा सेट, तो कुछ इस तरह का ही कॉन्सेप्ट नजर आएगा। पुराने सेट्स में होता क्या था कि काम ज्यादा होता था, वर्क जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, कार्विंग का वर्क काफी है, वुड ज्यादा विजिबल है और क्वेश्चन कम होता था। जिसके अंदर आप देखेंगे सिर्फ सीट सीट पार्ट का क्वेश्चन है, बाकी सब वुड में है। ये टीक वुड में है, नेचुरल फिनिश में है और बहुत ही बारीक फाइन कार्विंग पूरे सेट पर हर तरफ है। तो ये थ्री साइड्स कार्व्ड है, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। इसकी प्लेन है क्योंकि बैक जाएगी वॉल पर, इसलिए बैक प्लेन है। और साथ में है एक बहुत ही अच्छी टेबल, अगेन फोर साइड्स कार्व्ड, कंप्लीट कार्व्ड, इसमें ग्लास आएगा और ये रेडी टू यूज। ओके, ब्यूटीफुल सेट। जैसे कि अभी हमने क्लासिकल की बात की है तो आपने इस तरीके के सेट मूवीज में या फिर सीरियल्स में देखे होंगे सर, तो बेसिकली ये जो सेट होते हैं, मतलब ये रिलेट कहाँ से होते हैं? मैडम, अगर आर्ट की बात करें तो ये बेसिकली राजवाड़ी डिजाइन्स कहे जाते हैं और राजस्थानी आर्ट भी बोलते हैं। पुराने जो किले होते थे राजस्थान के, इसमें मोस्टली आपको इस तरह के ही सेटअप नजर आएंगे। यहाँ तक कि राजस्थान के काफी होटल्स के अंदर जहाँ कन्वर्ट कर दिए गए हैं पैलेस होटल्स में, वहाँ भी आपको इस तरह के सेट रखे हुए नजर आएंगे फॉर द क्लासिकल थीम। इन सेट्स में खास बात ये होती है कि कुशन कम होने की वजह से सेट का बहुत अच्छा लुक आता है। और एक इसका एडवांटेज और भी है, आउट ऑफ इंडिया कुशन पार्ट बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसके लिए अपहोल्स्टर बहुत ट्रेन चाहिए होते हैं। तो आउट ऑफ इंडिया भी बहुत लोग इस तरह के सेट पसंद करते हैं। इसमें सिर्फ जो उनकी मेंटेनेंस होती है, जैसे कि ये कुशन है तो इस कुशन का फैब्रिक है जो ओवर टाइम थोड़ा गंदा हो जाएगा या फट जाएगा 5-7 साल 10 साल में, तो सिर्फ उन्हें इसे अपहोल्स्टर करना है, इसके ऊपर एक नया कपड़ा लगाइए, साइड से सिलाई मारिए और आपका सेट फिर से रेडी टू यूज। सेट की थोड़ी सी अगर पॉलिशिंग डल हो गई है तो एक हाथ टचअप का लगेगा इस पर और सेट आपका वापस नया। बींग टीक वुड, ये लाइफ टाइम होता है, बहुत ड्यूरेबल है, तो ऐसा का ऐसा सालों साल रखा रहेगा। ओके, दैट्स सो नाइस। अच्छा सर, जो इसका साइज है, मतलब वो काफी छोटा है, मतलब नॉर्मली हमारे जो सेट्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं जैसे आप देखते हैं, तो आप प्लीज इस सेट के बारे में कुछ बताइए, मतलब इसके साइज के बारे में। जी मैडम, कॉम्पैक्ट तो ये है क्योंकि डिजाइन इस तरह का है कि हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं होगा। देखिए, हमारे जो नॉर्मल सोफा सेट्स होते हैं उसमें जो हैंडल पार्ट होता है थोड़ा सा कर्व होता है और उसके ऊपर फिर कुशन होता है, तो उसका अपना स्पेस होता है। आप बैठिए इस पे प्लीज। हाँ जरूर। अभी टू सीटर सेट है, हम दोनों बहुत कंफर्टेबली बैठे हैं, अब भी थोड़ी सी जगह बीच में बाकी है तो। और इस हैंडल का फ्लो देखिए आप, इस हैंडल के फ्लो की वजह से हाथ को पूरा सपोर्ट मिल रहा है पीछे तक, तो काफी कंफर्टेबल सेट है और छोटा होने के बाद भी स्पेस की इसमें कोई कमी नहीं है। अगर एग्जैक्ट साइज की बात करें मैडम इसकी, तो लेफ्ट टू राइट ये 52 इंचेस है, तो वेरी क्लोज टू 4.5 फीट। और बैक हाइट है इसकी 42 के करीब, तो 3.5 फीट बैक हाइट, फ्रंट टू बैक 28 इंचेस। सो ऑलमोस्ट साइज थोड़ा कम है मेन सेट से, लेकिन कॉम्पैक्ट सेट है, कहीं भी बहुत इजीली ये इंस्टॉल किया जा सकता है। और नंबर ऑफ सीट, सिंगल चेयर, थ्री सीटर, आप जो भी बनवाना चाहें वो भी इसी कॉन्सेप्ट में सिमिलर डिजाइन में बन जाएगा। सर, इसके अंदर बहुत अच्छा कार्विंग का काम है। और अगर आप भी अपने घर के लिए कोई कार्विंग का फर्नीचर ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। हम इंडिया में भी डिलीवर करते हैं और इंडिया के बाहर भी, आप जहाँ भी हैं हमें आपसे बात करके बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद। थैंक यू।